हे गाइस, माय नेम इज़ विनय एंड वेलकम टू क्लब नेसेंट। सो आज मैं एक बहुत ही जो काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है जो हमें ओरेकल का डेटाबेस डाउनलोड करते वक्त आती है, सो बताने जा रहा हूँ। एंड जो मैं ओरेकल का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है ओरेकल डेटाबेस 11G रिलीज 2। सो मैं इसकी लिंक आपको दे दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। सो आपको कैसे करना है इसे, सो आपका कोई सा भी वर्जन हो, आप प्रोडक्ट्स में जाइए, यहाँ पे ये देखिए ओरेकल डेटाबेस लिखा होगा, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक कर दीजिए, 19 डाउनलोड 19 सी, और नीचे नीचे जाइए, आपको जो वर्जन करना है आप वो कर सकते हैं। 11G जो होता है स्टैंडर्ड एडिशन, SE2 जो भी है, ये फ्री होता है। सो जो भी आपकी मशीन हो उस हिसाब से आप कर लीजिए डाउनलोड। लाइनक्स है तो लाइनक्स पे करिए, एंड विंडोज़ है तो विंडोज़ पे करिए। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 32 बिट का भी है एंड 64 बिट का भी है। सो ये चीज़ आप ये चीज़ नोट करिए, ठीक है। तो ये ओला वाला वर्जन आपको करना है, ये दो फाइलें होंगी, तो ये दो फाइलें आपको डाउनलोड करनी है। सो बेसिकली मैंने ये दो फाइलें डाउनलोड कर ली हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पर करी हुई है। ये है वो दो फाइलें। आप इन दोनों को एक साथ ऐसे करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी जल्दी हो जाएगा एक्सट्रैक्ट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड देन आप इस सेटअप को खोलेंगे तो ये ऐसा पूछेगा, आपको यस करना है, देन आपको वेट करना है 2-3 मिनट, वो आपके हार्डवेयर पे डिपेंड करता है क्योंकि। वेट करो थोड़ी देर, और थोड़ी देर बाद आता है क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि आ नहीं रहे, देखो थोड़ी थोड़ा टाइम भी लगा सकता है, अभी तो जल्दी आ गया पर थोड़ा टाइम भी लगा सकता है। सो बेसिकली क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं मैं आपको बताऊंगा, और क्या एरर आएगी वो भी। अब देखिए जैसे बोल रहा है कि डजेंट मीट द रिक्वायरमेंट, सो आपको घबराना नहीं है, आपको डायरेक्टली यस करना है। सो ठीक है, आप यस करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे ईमेल मांगता है। सो अगर आपको अपडेट वगैरह चाहिए, हमें कोई अपडेट नहीं चाहिए, तो आप बेसिकली इस स्टेप को यस करके इग्नोर कर सकते हैं। इन तीन में से देखो, यहाँ पे सिर्फ डेटाबेस डेटाबेस का सॉफ्टवेयर करना है, तो ये आपको एक डेटाबेस बनाना है, क्रिएट एंड कॉन्फिगर डेटाबेस, तो हमें तो बनाना है स्टार्टिंग में। सो आप पहला वाला वर्जन चूज़ करेंगे, ठीक है। फिर देखिए ये सर्वर पे होता है कि अगर आप सर्वर पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, और ये डेस्कटॉप पे, तो हम तो जैसे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप वगैरह पे, तो डेस्कटॉप पे करके नेक्स्ट कर देंगे। ओके, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है। सो आपको जहाँ पे भी डालना है आप ब्राउज करके डाल सकते हैं, मतलब कहीं पे भी, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एंड आप ये देखिए कि ORCL करके डेटाबेस का नेम होता है, तो उसको रहने दीजिए, चाहे तो चेंज कर लीजिए, 1234, जैसे मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ 1234, ये आपको याद रखने हैं ये पासवर्ड, तो आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है क्योंकि मैं पहले बना चुका हूँ इससे, तो मेरा इससे तो बनेगा नहीं। सो यहाँ पे अगर मैं ORCL1 करके करता हूँ तो तब शायद हो जाएगा, देखिए अब हो जाएगा। आपको यस पे क्लिक करना है, वॉन्ट टू कंटिन्यू यस, फिर आप यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो फिर ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो मैं भी कर नहीं रहा हूँ, सो मैं बता रहा हूँ कि एरर क्या क्या आते हैं। सो गाइस, जिस एरर की मैं बात कर रहा हूँ वो है ये INS2080 Oracle Net Configuration Assistant failed। सो जब आपके ये फेल हो जाए, आप बार बार रिट्राई कर रहे हो, एक अलग से स्क्रीन खुलेगी, लेट मी शो यू दैट स्क्रीन ऑल्सो। सो कुछ वेट, कुछ इस टाइप की स्क्रीन खुलेगी, एंड पहले तो पहली एरर दिखा देगा, फिर 2% बाद फिर एरर दिखाएगा। आपको क्या करना है, ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताने वाला हूँ और आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना है, तो उनको फॉलो करिए एंड आप डेफिनेटली एरर हटा पाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे खोलेंगे इसे, यहाँ पे ओरेकल सर्च करेंगे, ठीक है, ओ से आ जाएगा, ये ओरेकल है। यहाँ पे जाएंगे यूनिवर्सल इंस्टॉलर करके,
सो इस पे आप क्लिक करेंगे, यस करेंगे, एंड ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा और ये भी खुल जाएगा। ओके ये खुलेगा, आपको डी इंस्टॉल करना है प्रोडक्ट। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये जो चीज़ है, तो इसको आप खोलेंगे, ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्लिक नहीं करना, ये डायरेक्ट नहीं होगा। और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिमूव पे क्लिक करेंगे, एंड वो सारे सब चीज़ रिमूव कर देगा। मैं भी कर नहीं रहा हूँ, बट आपको करनी है ये चीज़ें, आपको रिमूव करना है, ठीक है। ये करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, शो एम्प्टी होम्स करके जो लिखा हुआ है, फिर आपको, फिर तो ये तो डिलीट हो चुका होगा, ओरेकल डेटाबेस 11G, ये वाली चीज़, तो आपको ये वाला फोल्डर भी डिलीट कर देना है, ठीक है। जब आप ये भी रिमूव कर देंगे, मतलब यहाँ से, तो फिर आप इसको बंद कर देंगे, ओके। और इसके बाद क्या करना है आपको, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबा के टास्क मैनेजर खोलना है, ठीक है। टास्क मैनेजर खोलने के बाद आपको इसमें प्रोसेसेस में ओरेकल सर्च करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ओरेकल ये है, तो आपको इसको एंड टास्क करना है। ऐसी ओरेकल से रिलेटेड जितने भी होंगे, ये ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर जितने भी हैं, RDBMS, MTS, ओरेकल SQL+, ये ORAV, SSV, ये सब ओरेकल SNET, तो ये सब आपको करने हैं, आपको अनइंस्टॉल इनको करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज आपको करनी पड़ेगी, मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब ओ से तो जितने भी हैं वो आपको सब करने हैं, ओरा ORA और ओरेकल वाले आपको सब इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। जब आप वो कर देंगे, अब जहां पर भी आपका इंस्टॉल होगा ओरेकल, जहां पर भी, लेट्स से, सो गाइस, ये मैंने गलती से इंस्टॉल ऐसा कर दिया है कि ये पूरा जो सी ड्राइव पे इसकी फाइल्स फैल चुकी हैं, ये इसकी फाइल्स हैं। तो आपको ध्यान देना है कि इंस्टॉल करते वक्त आप इसे एक फोल्डर में रखें, तो बाय डिफॉल्ट जो उसकी सेटिंग होती है उसे ना ही छेड़े। मैंने थोड़ा वो करते हुए थोड़ी गलती हो गई थी। सो बेसिकली क्या होगा कि लास्ट में एक फोल्डर बचेगा, अब उस फोल्डर को आप सी में डालेंगे, एप्स करके होगा। तो जैसे माने मान लीजिए कि इसमें आपका ओरेकल इंस्टॉल था, बेसिकली यही है वो जिसमें ये फाइल होती है, DB होम एडमिन्स वगैरह। तो ये जब आप उसे इंस्टॉल, जब अभी जो मैंने प्रीवियस स्टेप दिखाए थे, तो उससे काफ़ी कुछ हट चुका होगा, तो आपको ये फोल्डर भी डिलीट कर देना है। अब इस फोल्डर को डिलीट करने के बाद, जैसे आप ये फोल्डर डिलीट कर देंगे, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाना है, रजिस्ट्री एडिटर खोलना है, ठीक है। तो यस कर दीजिए इसे। अब आपने रजिस्ट्री एडिटर खोला, इसको मैं जूम कर देता हूँ। सो बेसिकली मैं आपको ढंग से दिखा देता हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं। सो जब आप खोलेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। सो आपको किस में जाना है, एच की लोकल मशीन्स में जाना है आपको, थर्ड ऑप्शन जो है, इसको खोलेंगे। इनिशियली ये ऐसा ऐसा दिखेगा। सो आपको सॉफ्टवेयर में जाना है सबसे पहले, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करके ओ पे क्लिक कर दीजिए। अब देखो आपको ओरेकल दिखेगा यहाँ पे, ये तो आपको इसको डिलीट करना है, ठीक है। इसको डिलीट करेंगे आप, इस वाली फाइल को डिलीट करने के बाद इसको बंद करेंगे, ये जो सिस्टम है इसको खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से ओरेकल 11 इसको डिलीट करेंगे, इसके नीचे वाला इसको भी डिलीट करेंगे, जितने भी ओरेकल 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 इन सबको आप डिलीट करेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी फाइलें डिलीट होंगी। डिलीट करने के बाद डायरेक्ट इंस्टॉल करने मत बैठ जाइएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों, सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई है, ये सब करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जाके अपना PC रीस्टार्ट करना है। अब रीस्टार्ट करके जब आप आएंगे, ठीक है, सो आपको अब फिर से, अब आप जब इंस्टॉल करेंगे, तो अब की बारी आपके में कोई एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो बस आप ये स्टेप फॉलो कीजिए एंड देन अपना इंस्टॉल पे लगाइए, तो आपका कोई दिक्कत नहीं दिखाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि अब आपके ये दो ग्रीन टिक में आ गए होंगे, ठीक है, एंड आपका ये इंस्टॉल होने लग गया होगा। सो जैसे ही ये पूरा इंस्टॉल हो जाए ना, तो आपको क्या देखना है इसके बाद, कि ये पूरा इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे जाना है। ये देखिए, फिर मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ,
ठीक है, तो आपसे वो पूछेगा कि ओके मत कर देना यहाँ पे, गलती से ओके मत कर देना पहली, तो पहले पासवर्ड मैनेजमेंट में आप क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद ओके, उस पे क्लिक करने के बाद आप पे ये पेज खुलेगा, ऐसा कुछ पेज खुलेगा, ठीक है। तो इस पे सबसे पहले ऐसा हुआ सिस्टम्स, ऐसा करके यहाँ पे इन दो को छोड़ के बाकी सब पे टिक 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 ऐसे होंगे। तो आपको यहाँ पे एक पासवर्ड डालना है, ठीक है, कुछ भी पासवर्ड डाल दीजिए, जैसे ये ABCD डाल दीजिए, ऐसा डालना कि याद रहे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4, कंफर्म भी कर दिया 1 2 3 4 सिस्टम में, एंड एक और जगह डाल सकते हैं आप HR में, ठीक है। तो यहाँ पे ये टिक हटा देना क्योंकि ये लॉक कर देता है, तो आपको लॉक हटाना है, टिक हटा देना क्लिक करके, एंड यहाँ पे भी कोई सा भी पासवर्ड जो भी आपको, मतलब जो भी आपको सिक्योर लगे और जो आपको याद रहे, ठीक है। तो ये दो पासवर्ड डालने के बाद आप ओके करके क्लोज कर देना। तो फिर आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, ठीक है। सो मैं आपको एक बार खोल के ही दिखा देता हूँ। सो आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, इसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे SQL+ और एंटर मारेंगे। सो यहाँ पे आप लिखेंगे सिस्टम, ठीक है, और जो भी आपने पासवर्ड डाला होगा, जैसे 1 2 3 4 तो मैंने डाला है, तो जो भी आपने डाला होगा, एंड ये डेफिनेटली कनेक्ट होगा, ठीक है। फर्दर अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो यू कैन कमेंट बिलो, एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो इफ इट हेल्प यू, सो थैंक यू सो मच।